नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं अनूप सिंह, आज आप सबके लिए रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2019 की जो वैकेंसी आई है 35,277 उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो इसका सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे आपको डिटेल बताएंगे। आए दोस्तों अब हम देख, दोस्तों यहां पे हम केवल सीबीटी फर्स्ट यानी स्टेज फर्स्ट के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों जो आपका स्टेज फर्स्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कॉमन होगा सभी पोस्ट के लिए। दोस्तों जो इसका एग्जाम ड्यूरेशन यानी एग्जाम का जो टाइम है वो आपका 90 मिनट का होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और सारा का मार्क्स एक एक नंबर का होगा यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। दोस्तों जो आपके फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए पेपर 120 मिनट यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा। दोस्तों जो इसका माइनस मार्किंग का पैटर्न है वो सेम है जैसे रेलवे एग्जाम में होता है, 1/3 यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं सिलेबस, इसके सिलेबस में हम के बारे में फुली डिस्कस यहाँ पर हम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स में इसके क्या सिलेबस हैं, जनरल नंबर सिस्टम के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेसिमल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फ्रैक्शंस के यानी आपका सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आने वाले ही हैं। एलसीएम और एससीएफ इसके भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाने वाले हैं यानी एचसीएफ और एलसीएम के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन इसमें हैं दोस्तों, परसेंटेज का भी क्वेश्चन इसमें आएगा, मेंसुरेशन भी है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसमें एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी आपके DI डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस में आपका यानी रीजनिंग में आपका एनालॉगी से क्वेश्चन रहेंगे, कंप्लीशन एंड ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन रहेंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन भी रहेंगे, रिलेशनशिप से रहेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें दोस्तों, सिलॉग से भी क्वेश्चन रहेंगे, जंबलिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूशन एंड स्टेटमेंट, कोर्स एंड एक्शन के क्वेश्चन रहेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड मैप्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सिलेबस है। दोस्तों अब हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का इसमें सिलेबस क्या है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन आपके, लगभग क्या मतलब 40 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। दोस्तों करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट खेल कूद से आपके इसके बारे में पूछे जाएंगे इस पेपर में, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया भारत के कला और कल्चर के बारे में पूछे जाएगा इसमें क्वेश्चन, इंडियन लिटरेचर, मैनुमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया जो भी आपके मैनुमेंट्स हैं जैसे ताजमहल ऐसे जो भी मैनुमेंट्स है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे एंड लाइफ साइंस जो CBSE के अप टू 10th क्लास 10th तक के का जो आपका जनरल साइंस और लाइफ साइंस रहेगा उसके बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछे जाएंगे इसमें क्वेश्चन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO IMF के बारे में भी क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंट इशू एंड कंसर्निंग ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, कॉमन एब्रिवेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फ्लैगशिप्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी प्रोग्राम लाए हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन रहेंगे, फ्लोरा एंड फना ऑफ इंडिया जो आपके फ्लोरा एंड फना है इंडिया के उसके बारे में भी क्वेश्चन रहेंगे यानी बॉटनी से क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका NTPC BPCL और बैंक के बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी पब्लिक सेक्टर के
के ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनके बारे में आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये तो हुआ आपका सिलेबस। अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन अ वेरियस कैटेगरी। दोस्तों उन लोगों का सबका जो आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कितना आप नंबर लाएंगे इसमें जिससे आप क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों इसमें यूर यानी अनरिजर्व कैटेगरी का 40%, यानी 100 में अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी का 40% कोई बच्चा लाता है तो इस स्टेज फर्स्ट में वो क्वालिफाई है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी 40% रखे गए हैं, जो अभी 10% आरक्षण जो अभी भारत सरकार ने दिया है। दोस्तों OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए भी 30% आपका क्वालिफाई है। SC का भी 30% है, ST का भी 25% है। दोस्तों ये हुआ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। दोस्तों ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।